खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए शुरू हुई गंगा यात्रा का आज दूसरा दिन है। बिजनौर से शुरू हुई यात्रा आज मेरठ पहुंची है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वहां पर मौजूद हैं, जबकि बलिया से शुरू हुई यात्रा गाजीपुर होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। वहीं काशी के मीडिया प्रभारी नवरतन राठी ने बताया, 28 जनवरी को यात्रा गाजीपुर से चलकर दिन में रजवाड़ी पहुंचेगी। यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा और आरती का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद यात्रा का प्रवेश वाराणसी में होगा। वहीं गंगा यात्रा बलिया से बिजनौर तक 27 जिलों से होकर गुजरेगी। दोनों तरफ से यात्रा का समागम 31 जनवरी को कानपुर में होगा। 1238 किलोमीटर की इस यात्रा में प्रदेश सरकार के 56 और केंद्र सरकार के 8 मंत्री शामिल होंगे। यात्रा के दौरान 30 स्थानों पर जनसभाएं भी की जाएंगी। इसमें गंगा के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व लोगों को बताए जाएंगे। गंगा यात्रा का नोडल सिंचाई विभाग है, इसके लिए विभाग ने कंट्रोल रूम भी बनाया है जो 24 घंटे काम करेगा। आज दूसरा दिन है गंगा यात्रा का। कुल प्रदेश में 1150 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें जल मार्ग से भी और सड़क मार्ग से भी यात्रा गुजरेगी। 27 जनपद इसको कवर करेंगे, 21 निकाय और 1038 ग्राम पंचायतों से होते हुए ये कुल 1358 किलोमीटर की यात्रा का निश्चय किया गया है। गंगा की अविरल धारा बहती रहे, उसकी स्वच्छता पवित्रता उसका आध्यात्मिक महत्व बढ़े, इसके लिए तमाम प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं।